नमस्ते, मैं डॉक्टर गीता शमनानी। आज मैं बताने वाली हूँ स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत कॉमनली यूज़ होता है हेमेटोलॉजी प्रैक्टिकल्स में, फर्स्ट ईयर MBBS और पैथोलॉजी एग्ज़ाम्स में भी बहुत कॉमनली यूज़ होता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होता है, उसका हम डिटेल बताते हैं अभी आपको। तो पहला स्ट्रक्चर जानने के लिए हम माइक्रोस्कोप के सारे पार्ट्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहली कैटेगरी है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम का मतलब है जो माइक्रोस्कोप के बाकी सारे पार्ट्स को सपोर्ट करने वाला पार्ट है। तो उसमें क्या क्या आता है? पहला है बेस। तो देखते हैं माइक्रोस्कोप में, देखें ये बेस है, ये नीचे हैवी मेटल का बना हुआ बेस है जो यू शेप या हॉर्स शू शेप्ड होता है, ठीक है। उसके बाद जो पुराने माइक्रोस्कोप्स थे उनमें ये इस तरह के कुछ पिलर्स होते थे ऐसे, इसमें अलग से कोई पिलर नहीं है, उसमें पिलर्स थे, फिर यहाँ पर हिंज जॉइंट था, उससे हैंडल अटैच था। पर इस नए माइक्रोस्कोप में ये पिलर्स और हैंडल दोनों रिप्लेस हो गए हैं एक सिंगल हैंडल से, जो अप्रॉक्सीमेटली एल शेप है, जो इस पर अटैच है परपेंडिकुलरली, ये बेस पर अटैच है, हम देख सकते हैं। ये भी हैवी मेटल का बना हुआ है। तीसरा है बॉडी ट्यूब। तो बॉडी ट्यूब ये है आयरिस लेंस, ये है आई लेंस, ये है हमारे ऑब्जेक्टिव लेंसेस। तो आई लेंस से लेकर ऑब्जेक्टिव लेंस के अपर पार्ट के बीच की दूरी को बोलते हैं बॉडी ट्यूब। इसकी लेंथ करीब करीब 16 से 17 सेंटीमीटर्स तक होती है। तो ये भी सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि ये ऑप्टिकल सिस्टम को या जो मैग्नीफाइंग सिस्टम है उसको सपोर्ट करता है। चौथा है स्टेज। तो एक होता है फिक्स्ड स्टेज, जो एक चौकोर प्लेट या क्वाड्रेंगुलर प्लेट है जिसके बीच में एक अपर्चर या एक गैप या छेद होता है, ये देख सकते हैं आप। दूसरा है मैकेनिकल स्टेज, ये ऊपर एक स्टील की प्लेट आपको दिख रही है, ये मैकेनिकल स्टेज है। तो ये मैकेनिकल स्टेज आगे पीछे और दाएं बाएं मूव कर सकता है। लेकिन अब जो नए माइक्रोस्कोप आए हैं, पुराने माइक्रोस्कोप्स में तो क्या होता था, ये प्लेट नहीं मूव करती थी, ऊपर वाली मूव करती थी। पर अभी जो नए माइक्रोस्कोप्स आए हैं इनमें दोनों प्लेट्स मूव करती हैं, ये जो ब्लैक वाली है नीचे वाले, ये एंटीरियर पोस्टीरियरली मूव करती है, और जो ये वाली है ये राइट एंड लेफ्ट मूव करती है। तो इसके अलावा हम देख सकते हैं ये ग्रेजुएशंस बने हुए हैं सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में, जिससे हम बता सकते हैं किसी को कि हम अपने स्पेसिमेन को कितने सेंटीमीटर मूव करेंगे तो क्या दिखेगा। उसके अलावा ये है आपकी एक क्लिप, ये एक मेटेलिक क्लिप है जो स्प्रिंग माउंटेड है, तो ये भी स्पेसिमेन को होल्ड करने में इसका यूज़ है। तो ये सारा हो गया पार्ट हमारा सपोर्ट सिस्टम का। उसके बाद आता है फोकसिंग सिस्टम। तो फोकसिंग सिस्टम का क्या यूज़ है? फोकसिंग सिस्टम बेसिकली स्पेसिमेन को फोकस करने के काम आता है। फोकस करने से क्या मतलब है कि ऑप्टिकल ट्यूब और जो स्टेज है उसके बीच की डिस्टेंस बढ़ाकर और घटाकर हम किसी भी स्पेसिमेन को फोकस कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या है फोकसिंग सिस्टम। तो फोकसिंग सिस्टम में दो तरह के स्क्रू होते हैं, ये है कोर्स स्क्रू और ये है फाइन स्क्रू। इन दोनों के मूव करने से यहाँ पर स्टेज मूव कर रहा है, हम देख सकते हैं स्टेज मूव कर रहा है, ठीक है। पहले जो पुराने माइक्रोस्कोप्स थे उनमें ऑप्टिकल ट्यूब मूव करता था, ठीक है। तो पर्पस तो वही है, सेम है इन दोनों के, इसके ऑप्टिकल सिस्टम और स्टेज के बीच की जो डिस्टेंस है उसको घटा बढ़ाकर हम बेसिकली अपने स्पेसिमेन को फोकस करते हैं। अब ये है फाइन स्क्रू। फाइन स्क्रू के भी मूवमेंट से वही होता है, ये स्टेज ऊपर नीचे आता है, एंड अबाउट एक जब राउंड इसका लगा लेते हैं फाइन स्क्रू का, तो स्टेज मूव करता है 0.1 मिलीमीटर्स, ठीक है। तो एक राउंड से स्टेज मूव कर रहा है 0.1 मिलीमीटर्स। ऐसा कहते हैं जब भी हम माइक्रोस्कोप पर वर्क करते हैं तो ये जो फोकसिंग सिस्टम पर लेफ्ट हैंड रहना चाहिए और राइट हैंड या डोमिनेंट हैंड से हमें इसको स्टेज को मूव करना चाहिए, ठीक है। तो दोनों हाथ हमें एक साथ इस तरह से यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है तीसरा ऑप्टिकल सिस्टम या मैग्नीफिकेशन सिस्टम। तो ऑप्टिकल सिस्टम क्या है? जिससे एक्चुअली हमारा स्पेसिमेन मैग्नीफाई होके दिखता है, ठीक है। तो इसके क्या क्या पार्ट्स हैं? एक तो है बॉडी ट्यूब। तो बॉडी ट्यूब जैसा कि मैंने पहले बताया, ये आई लेंस से लेकर ऑब्जेक्टिव लेंस के अपर पार्ट तक होती है, इसकी लेंथ है 16 to 17 सेंटीमीटर। उसके अलावा है एक ये आई पीस। तो आई पीस के अंदर जो लेंस लगा हुआ है उसको बोलते हैं आई लेंस।
जिसका पार इस माइक्रोस्कोप में है 10x। कई सारे माइक्रोस्कोप हैं जो 5x, 6x, 8x के पार वाले आई पीस के साथ आते हैं, आई लेंसेस के साथ आते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है नोज पीस। ये जो आपको डिस्क दिख रही है सर्कुलर, ये है नोज पीस। इसके भी दो पार्ट्स हैं, अपर वाला है फिक्स्ड नोज पीस, नीचे वाला है रिवॉल्विंग नोज पीस। रिवॉल्विंग नोज पीस क्या करता है, घूमता है। तो इसके घूमने से हम ऑब्जेक्टिव लेंसेज के प्लेस को चेंज कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव लेंसेज का पोजीशन चेंज हो रही है, और चेंज होते समय जब ये ऑब्जेक्टिव लेंस अपने प्लेस पर आ जाता है तो एक साउंड आती है क्लिक की। आपको सुनाई दे रही होगी ये साउंड, ध्यान से सुनिए। ओके, तो ये एक क्लिक की साउंड आती है ऑब्जेक्टिव लेंसेज को मूव करने से। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज, अब ये है नेक्स्ट पार्ट है ऑब्जेक्टिव लेंसेज। तो चार ऑब्जेक्टिव लेंस हैं, इनमें से एक ये रेड वाला आपके कोर्स में नहीं है। ये तीन यूज आते हैं, ब्लू, ये येलो, ब्लू एंड वाइट। येलो का पार है 10x, ब्लू का है 40x और इसका है 100x, वाइट का 100x। इसको येलो वाले को बोलते हैं लो पार, ब्लू वाले को बोलते हैं हाई पार और वाइट वाले को बोलते हैं ऑयल इमर्शन लेंस। ठीक है, तो ये तीन तरह, ये चार तरह के लेंसेज हैं, ये तीन हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, येलो, ब्लू एंड वाइट, 10, 40 एंड 100x। ठीक है, तो ये है हमारा ऑप्टिकल सिस्टम। अगला है द इल्यूमिनेशन सिस्टम। इल्यूमिनेशन सिस्टम में क्या आता है, बेसिकली लाइट हमें चाहिए होती है हमारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तो लाइट सोर्स होना चाहिए। तो लाइट सोर्स हमारे एक्सपेरिमेंट्स में जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं वो है इंटरनल या इनबिल्ट लाइट सोर्स। तो इनबिल्ट लाइट सोर्स हम यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल लाइट सोर्स भी यूज़ किया जा सकता है, बट उन माइक्रोस्कोप्स में जिनमें एक्सटर्नल लाइट सोर्स होता है उनमें मिरर भी होता है साथ में, तो हम देख सकते हैं मिरर। इस माइक्रोस्कोप में मिरर नहीं है क्योंकि हम इनबिल्ट लाइट सोर्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि टंगस्टन फिलामेंट है। इन केस जैसे हमारे ग्रेजुएशन टाइम में हम लोग एक्सटर्नल लाइट सोर्स यूज़ करते थे और उसमें भी नेचुरल लाइट सोर्स यूजुअली यूज़ करते थे, तो हमारे यहाँ एक मिरर हुआ करता था नीचे, है ना। तो मिरर हुआ करता था, उसका एक साइड कॉनकेव था और एक प्लेन था, इस तरह का मिरर था। तो क्योंकि हम नेचुरल लाइट यूज़ करते थे तो मिरर का हम प्लेन साइड यूज़ करते थे। अगर हम कोई आर्टिफिशियल एक्सटर्नल सोर्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ये रॉड लाइट है, बल्ब लाइट है जो हमारे घरों में होती है, तो हमें कॉनकेव वाला साइड यूज़ करना होता। ओके, सो इस तरह से हम लाइट को लेते हैं। उसके बाद दूसरा चीज़ है जो लाइट के फोकस करने के लिए चाहिए होती है, कंडेंसर। ओके, कंडेंसर क्या है, आप इसमें देख सकते हैं, ये स्टेज के नीचे का एक पार्ट है कंडेंसर जो मूव कर रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ये स्टेज के नीचे है इसलिए इसको सब स्टेज भी बोलते हैं। इसकी पोजीशन ऊपर नीचे की जा सकती है। अब पॉइंट ये है कि कब इसकी पोजीशन नीचे होनी चाहिए, कब ऊपर होनी चाहिए। तो जब 10x हम लोग यूज़ करते हैं तो इसकी पोजीशन सबसे नीचे होनी चाहिए। जब 40x जब 10x यूज़ कर रहे हैं तो सबसे नीचे, 40x यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी ऊपर, और जब 100x यूज़ कर रहे हैं तो सबसे ऊपर होती है इसकी पोजीशन। ओके, तो ये है सब स्टेज की पोजीशन। अब ये क्यों ऐसे होती है, क्यों करना पड़ता है ऐसा, ये हमें बेसिकली करना पड़ता है न्यूमेरिकल एपर्चर मैच कराने के लिए। न्यूमेरिकल एपर्चर क्या है, मैंने इस वीडियो के एंड में बताया हुआ है कि एग्जैक्टली न्यूमेरिकल एपर्चर है क्या और इसे क्यों मैच कराते हैं। अब आ जाइए इधर, सब स्टेज में, सब स्टेज के अलावा एक आयरिस डायफ्राम भी होता है जो इसके अंदर ही प्लेस्ड है या माउंटेड है। तो इसके, इस सब स्टेज के अंदर ही एक आयरिस डायफ्राम होता है जो हमारी आयरिस डायफ्राम के बिल्कुल सिमिलर होता है। तो जैसा कि हमने ये बोर्ड पर दिखाया है, जैसे ये आई में आयरिस डायफ्राम होता है जो बेसिकली लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अंदर जा रही है, तो इसी तरह का ये आयरिस डायफ्राम है जिसका पोजीशन जो सबसे ज़्यादा ओपन भी रख सकते हैं, क्लोज भी रख सकते हैं। तो जब हम 10x यूज़ कर रहे हैं तो इसको सबसे मिनिमली ओपन रखते हैं, जब 40x यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा ओपन रखते हैं, और जब हम 100x यूज़ कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ओपन रखते हैं। अब ये क्यों करते हैं, ये भी बेसिकली हम लोग न्यूमेरिकल एपर्चर को मैच कराने के लिए करते हैं। ओके, इसके अलावा एक सर्कुलर फ्रेम भी है, आपको दिख रहा होगा,
एक मेटेलिक सर्कुलर फ्रेम है, इसमें हम किसी स्पेसिफिक कलर की शीट लगा के किसी अगर हमें पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट चाहिए तो हम डिफरेंट शीट्स इसमें लगाते हैं। फिलहाल मैंने इसमें कोई शीट नहीं लगाई हुई है क्योंकि मैं वाइट लाइट ही यूज़ कर रही हूँ अपने एक्सपेरिमेंट्स में। तो ये है आपका मेटेलिक फ्रेम टू कंट्रोल द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो ये सारा है हमारा माइक्रोस्कोप के सारे पार्ट्स। अब हम देखेंगे कि फिजिकल बेसिस क्या है माइक्रोस्कोपी की। तो फिजिकल बेसिस जाने के लिए ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनमें जिससे रिलेटेड वाइवा भी आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए ये पॉइंट्स क्या हैं। इमेज फॉर्मेशन, सबसे पहले तो एग्जामिनर आपको पूछता है कि किस तरह की इमेज बनती है, फाइनल जो इमेज बनती है जो आपको दिखती है। तो उसको समझने के लिए ये देख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई लेंस है, ये है आपका स्पेसिमेन साइज ऑफ जो भी आपको देखना है ऑब्जेक्टिव उसकी। ये आप देख रहे हो ये इमेज बनी थ्रो दिस कॉन्वेक्स लेंस, ये इमेज बनी, ठीक है। फिर यहाँ से ये रेज इस लेंस में गई लेकिन ये रेज आप देख रहे हो डाइवर्ज हो गई। तो डाइवर्ज होने की वजह से जब हम पीछे से ट्रेस करेंगे इन वेव्स को तो ये जाके आपकी फाइनल इमेज बनी। तो फाइनल इमेज कैसी है, लार्ज है या मैग्नीफाइड है, इन्वर्टेड है और वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों, क्योंकि ये पीछे से रेज को ट्रेस करने से बनी है, तो इसलिए ये लार्ज है या मैग्नीफाइड है, वर्चुअल है और इन्वर्टेड है, मतलब उल्टी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है मैग्नीफिकेशन, मतलब टोटल कितने टाइम्स एनलार्ज आपको वो इमेज दिखती है। ओके, तो मैग्नीफिकेशन अगर हम लो पावर लेंस यूज़ कर रहे हैं, मतलब 10x लेंस यूज़ कर रहे हैं, तो टोटल मैग्नीफिकेशन होता है 100x। कैसे, 10 ये आई लेंस का है और ये 10 ऑब्जेक्टिव लेंस का है, तो 10 × 10 टोटल हुआ 100x। अगर हम हाई पावर लेंस यूज़ कर रहे हैं, मतलब 40x वाला ऑब्जेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, तो 10 × 40, क्योंकि आई लेंस की पावर तो सेम है। ओके, तो टोटल पावर जो हम देखते हैं या टोटल मैग्नीफिकेशन जो हमें दिखता है वो है 400x। अगर हम ऑयल इमर्शन लेंस यूज़ कर रहे हैं तो 10 × 100 मतलब 1000x है वो, मतलब 1000 गुना हमें ऑयल इमर्शन लेंस से दिखता है। अब बात आई विजुअल एक्यूटी। अब विजुअल एक्यूटी की डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, तो डेफिनेशन क्या है, ये विजुअल एक्यूटी जो टर्म यूज़ किया जाता है सिर्फ आँख के लिए ही यूज़ किया जाता है, किसी और सिस्टम के लिए नहीं। तो बेसिकली ये क्या है, विजुअल एक्यूटी का मतलब होता है कि आँख की वो एबिलिटी जिससे वो दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को डिफरेंशिएट कर सकती है, मतलब दो पॉइंट्स जो बहुत पास पास हैं उनको वो अलग अलग पॉइंट्स परसीव कर सकती है आँख, मतलब आँख से हमारी आँख से वो दो पॉइंट्स अलग अलग दिखाई दे। तो जितनी कम दूरी होगी उन दो पॉइंट्स के बीच की जबकि वो अलग दिखाई दे सकते हैं वही होगी हमारी विजुअल, मतलब वो जितनी कम दूरी होगी विजुअल एक्यूटी उतनी ही अच्छी होगी। ओके, तो डेफिनेशन क्या है, एबिलिटी ऑफ द आई टू डिफरेंशिएट टू क्लोजली प्लेस्ड पॉइंट्स एज टू सेपरेट पॉइंट्स। ओके, एबिलिटी ऑफ द आई टू डिफरेंशिएट टू क्लोजली प्लेस्ड पॉइंट्स एज टू सेपरेट पॉइंट्स, ठीक है। ओके, अब सेम एक टर्म है जो इससे मिलता जुलता है, वो है रिजोल्यूशन या रिजोल्विंग पावर। अब ये जो टर्म है वो यूज़ किया, वो आँखों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, किसी भी सिस्टम के लिए, वो आँखें हो सकती हैं या आई हो सकती है या कोई सिंपल लेंस हो सकता है या कंपाउंड लेंस हो सकता है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिकली किसी भी सिस्टम के लिए यूज़ की जा सकती है। तो रिजोल्विंग पावर की डेफिनेशन क्या है, एबिलिटी ऑफ एनी सिस्टम टू डिफरेंशिएट टू क्लोजली प्लेस्ड पॉइंट्स एज टू सेपरेट पॉइंट्स। सेम डेफिनेशन है, बस वहाँ पर सिर्फ आई था और यहाँ कोई भी सिस्टम है, सेम है कि दो क्लोजली जो पास पास सिचुएटेड हैं दो पॉइंट्स उनको सेपरेट दिखाई दें। ओके, अगर वो डिस्टेंस जितनी छोटी होगी उतना ही अच्छा रिजोल्विंग पावर उस सिस्टम का होगा, और उस डिस्टेंस को बोलते हैं जो मिनिमम डिस्टेंस जिस पर पॉइंट्स सेपरेट दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन उस पर्टिकुलर सिस्टम की, ठीक है। तो वो अनएडेड ह्यूमन आई, मतलब जब कोई स्पेक्स नहीं लगे हुए या विजुअल एक्यूटी में कोई कमी नहीं है उस केस में ये होता है 0.15 to 0.25 मिलीमीटर। इसका क्या मतलब है,
कि अगर इतने इतनी दूरी पर दो पॉइंट्स हैं तो आँखों से वो सेपरेट दिखाई देंगे, अगर इससे कम दूरी पर हैं तो वो ऐसा दिखाई देगा कि एक ही पॉइंट है। ओके, सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए है 0.25 माइक्रोमीटर्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए है ये 0.5 नैनोमीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली 0.5 नैनोमीटर्स। अब आ जाओ, अब अगला क्वेश्चन तो जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज़ वर्किंग डिस्टेंस। बहुत सिंपल है बट कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो वर्किंग डिस्टेंस क्या है? ये है डिस्टेंस किसके किसके बीच की, ऑब्जेक्टिव लेंस और स्पेसिमेन के बीच। अब आप कहोगे ये डिस्टेंस क्या कम ज़्यादा हो सकती है? यस, अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंस का पार कम ज़्यादा कर रहे हो, सपोज आप 10x यूज़ कर रहे हो तो ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है, 40x में थोड़ी कम होती है, 100x में और कम हो जाती है। तो आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया होना चाहिए कि ये डिस्टेंस कितनी है, जिससे कि आप उस डिस्टेंस पर माइक्रोस्कोप कर रख सको और इमेज को क्लियरली देख सको बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, सो वो डिस्टेंस इन केस ऑफ 10x माइक्रोस्कोप कितनी होती है? वो डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर। अगर हम 40x माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के आसपास होती है वो डिस्टेंस। और अगर आप ऑयल इमर्शन लेंस यूज़ कर रहे हो तो वो डिस्टेंस 1 मिलीमीटर से भी थोड़ी कम होती है, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस और स्पेसिमेन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। अब आ जाओ न्यूमेरिकल एपर्चर। ये बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने ये भी पूछा जाता है कि कैसे कंडेंसर और कैसे ऑब्जेक्टिव लेंस का न्यूमेरिकल एपर्चर मैच कराया जाता है। तो बेसिकली न्यूमेरिकल एपर्चर होता क्या है, तो इधर इस इमेज में देखो कि ये इस स्लाइड पर ये स्पेसिमेन है, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उससे ये सारी रेज निकली हैं स्पेसिमेन से और ऑब्जेक्टिव लेंस से होती हुई फाइनली वो इमेज बना रही है। तो ये जो एंगल है ये एक्चुअली जो रेज एंगल बनाती हैं उसका आधा है। तो जो फाइनली एंगल बनता है उसका आधा जो एंगल है वो सपोज अल्फा है, और ये जो मीडिया है, मीडिया मतलब जैसे ये लेंस और स्पेसिमेन के बीच का जो मीडिया है ना, जो भी माध्यम है यहाँ पर, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम मान लेते हैं कि एन है। तो न्यूमेरिकल एपर्चर क्या होता है? एन साइन अल्फा। ओके, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडिया का, और अल्फा वो उस एंगल का आधा है जो वो एंगल बनाया जाता है आपके स्पेसिमेन से ऑब्जेक्टिव लेंस पर। तो ये इसकी वैल्यू किस लेंस के लिए ज़्यादा होगी, 10x के लिए, 40x के लिए या 100x के लिए? तो ये सबसे कम होगी 10x के लिए। क्यों? क्योंकि 10x के लिए अल्फा वैल्यू सबसे कम होती है, ठीक है। 40x के लिए अल्फा वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि 40x के लिए सपोज़ ये है आपका लेंस, तो थोड़ी सी आप डिस्टेंस कम कर देते हो तो इस तरह का कुछ इमेज बनता है। तो ऑब्वियसली ये एंगल, अल्फा एंगल इस अल्फा एंगल से बड़ा होगा, तो टोटल एन साइन अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी 40x के लिए। अब 100x की बात करें तो 100x में भी ये एंगल और भी छोटा हो जाए, बड़ा हो जाएगा, ये डिस्टेंस और भी कम हो जाएगी। तो एक तो अल्फा एंगल थोड़ा बड़ा होगा और दूसरा एन की वैल्यू ज़्यादा होगी। एन जो कि पहले 10x और 40x के केस में यहाँ पर क्योंकि एयर थी तो एन की वैल्यू होती है 1, पर अगर हम यहाँ पर कोई ऑयल यूज़ करते हैं तो इसी एन की वैल्यू हो जाती है 1.55। तो टोटल एन साइन अल्फा की वैल्यू बढ़ जाती है। तो न्यूमेरिकल एपर्चर सबसे बड़ा होता है किसका? 100x या ऑयल इमर्शन लेंस का सबसे बड़ा होता है। तो ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है न्यूमेरिकल एपर्चर वाइवा में। तो ये सब था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर और कैसे उसकी वर्किंग होती है, क्या क्या डेफिनेशंस एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इन सब के बारे में। थैंक यू वेरी मच।